करनाल में बाबा अबू अली शाह कलंदर दरगाह साहिब चांस राय नजदीक शिव मंदिर की ओर से सालाना उर्स मुबारक एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालुओं ने पहुंचकर धर्म लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर गद्दी नशीन सुनील महाराज ने बताया कि यहां पर हर वर्ष बाबा की शान में उर्स एवं भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर सुप्रसिद्ध कव्वाली गायक अपनी मधुर वाणी से बाबा की महिमा का गुणगान करते हैं, जिसमें भारी तादाद में लोग पहुंचकर अपना जीवन सार्थक बनाते हैं। विशाल भंडारे में भारी तादाद में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। यहां हम आपको बता दें कि दरगाह पीर बाबा कलंदर साहिब चार स्थानों पर स्थित है, जिसमें पानीपत, बुड्ढाखेड़ा गांव, करनाल में कलंदरी गेट एवं चांस राय में पूजा अर्चना की जाती है। उसी श्रद्धा को देखते हुए यहाँ पर सालाना उर्स एवं भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग पहुंचकर अपनी मुरादे पाते हैं। भावनाएं हैं ये शब्दों में बयान नहीं की जा सकती हैं। ये एक गुरु और शिष्य का रिश्ता है और गुरु से जो प्राप्त जो आशीर्वाद है ये उसका ही कमाल है। और दीज थिंग्स कैनॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। और यही जो आदेश हमें मिलता है गुरुजी से, हमें आदेश मिलता है वही हम पालन करते हैं। और कलंदर साहब का हर साल हम जश्न मुबारक मनाते हैं, इसमें हम भंडारे का आयोजन करते हैं और कवालियों का आयोजन करते हैं। बाबा अबू अली शाह कलंदर साहब की चार मजारे हैं, जिनमें प्रमुख एक तो पानीपत में है और दूसरे नंबर पे आती है बूढ़ा गेट, तीसरे नंबर पे आती है कलंदरी गेट और चौथे नंबर पे आती है इंद्री में, जहाँ पे बाबा जी ने तपस्या करी थी। बूढ़ाखेड़ा में बाबा जी ने तपस्या की थी और वहां पर आज भी वो दीवार है जो उन्होंने अपने एक इशारे से चला दी। एक मैं वाकया बताता हूँ आपको कि हजरत निजामुद्दीन इस शेर पर सवार होकर आ रहे थे तो बाबा जी की परीक्षा लेनी चाहिए उन्होंने, तो वो शेर पर सवार होकर आए तो बाबा जी दीवार पर बैठे हुए दातुन कर रहे थे, तो उन्होंने दीवार को आदेश करा कि निजामुद्दीन औलिया साहब आ रहे हैं तो आप भी थोड़ा चले, तो दीवार चल के निजामुद्दीन साहब के पास पहुंच गई और वो आज भी दीवार निशानी तौर पर बूढ़ाखेड़ा शरीफ में है, यही करनाल के अंदर। और ये प्रोग्राम हम हर साल करते हैं, इसमें दूर दूर से लोग हमारे पास यहाँ बाबा जी के चरणों में मत्था टेकने के लिए आते हैं, जिनकी जो जायज मुराद है वो बाबा जी पूरी करते हैं। तो आप हमें बताएं आज के कार्यक्रम में विशेष क्या रहेगा? विशेष ये है, भंडारे का आयोजन है और कवाली का आयोजन है, रेणु बाला जी मुख्य अतिथि हैं और अशोक सुखीजा जी। कवाली का आयोजन है? हाँ, कवाली का भी। कहाँ से आ रहे कवाल? कवाल मुजफ्फरनगर से आ रहे। नाम थोड़ा बताइए। नवाब कलंदरी एंड पार्टी।
तो आपका जैसे कितने साल पुराना चला रहा है यहाँ पे गद्दी, कितने साल से लग रही है? 12 साल हो गए जी। अच्छा, और कितने लोग अब तक आ चुके हैं इसमें? हजारों लोग आ चुके हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। आज इस कार्यक्रम में कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? आज कुछ लोग अमेरिका से आए हुए, कुछ लोग इंदौर से आए हुए, कुछ नागपुर से आए हुए, कुछ लोग दिल्ली से आए हुए, कुछ लोग यमुनानगर जगाधरी से आए। जैसे करनाल में कलने साहब की 2-3 पीठे हैं, जैसे धर्म पीठ है, तो उसमें क्या मतलब है, मतलब उसका इसमें क्या अंतर, उनमें क्या है? नहीं, अंतर कुछ नहीं है। बाबा भोली शाह कलंदर साहब की मजार कलंदरी गेट में, ये बाबा की आरामगाह थी। आरामगाह जिस समय बाबा जी उपस्थित थे, यानी कि जब तक उन्होंने चोला नहीं छोड़ा था जी, जी। उस समय पहले ही एक राजा थे, उन्होंने उन्हें एज ए गिफ्ट दी थी। चांदसराय गिफ्ट दी थी? नहीं, वो जो कलंदरी गेट वाली दरगाह है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो बाबा की आरामगाह थी। जैसे चांदसराय में इनका कुछ था बाबा जी का? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।